अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन एंड एंजॉइंग गुड हेल्थ। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसिड बेस, एक बहुत इंपॉर्टेंट एसिड बेस कॉन्सेप्ट है जिसको हम ओजानोविच कॉन्सेप्ट कहते हैं एंड इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। सो ओजानोविच कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, एसिड्स आर दो स्पीशीज, एसिड्स आर दो species which जो क्या करती हैं, एसिड हम उन species को बोलते हैं which neutralize an acid, neutralize a base, जो base को neutralize करती हैं, which neutralize a base, जो base को neutralize करती हैं, मतलब base के साथ reaction करके salt और water बनाती हैं, या acid वो species होती हैं which give up a cation, जो कैटाइन को लूज करती हैं, गिव अप अ कैटाइन, जो कैटाइन लूज करती हैं, और विच टेक अप एन एनाइन, टेक अप एन एनाइन और इलेक्ट्रॉन, जो एनाइन या इलेक्ट्रॉन को टेक अप करती हैं, उन स्पीशीज को हम एसिड्स कहते हैं। सो एसिड वो तमाम स्पीशीज हैं जो बेस को न्यूट्रलाइज करती हैं, जो कैटाइन टेक अप करती हैं, या जो एनाइन को कैटाइन को गिव अप करती हैं, एनाइन को टेक अप या इलेक्ट्रॉन को टेक अप करती हैं। इसी तरह से जो बेसिस हैं, बेसिस वो स्पीशीज होती हैं, बेसिस आर स्पीशीज विच जो क्या करती हैं, न्यूट्रलाइज एसिड, जो एसिड को न्यूट्रलाइज करती है, न्यूट्रलाइज एन एसिड, ठीक है, जो एसिड को न्यूट्रलाइज करती हैं, जो टेक अप करती हैं कैटाइन को, इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे गिव अप हमने कैटाइन लिखा है, यहाँ पे टेक अप कैटाइन लिखती है, टेक अप कैटाइन यानी वो कैटाइन को एक्सेप्ट करती हैं, और विच गिव अप एनाइन और इलेक्ट्रॉन, जो एनाइन को जो है वो गिव अप करती हैं या इलेक्ट्रॉन को गिव अप करती हैं। बेटा ये जो डेफिनेशन है ओजानोविच कॉन्सेप्ट की, जो स्टेटमेंट है एसिड और बेस की, जो डेफिनेशन है, इसमें जो हमने प्रीवियस थेरीज डिस्कस की हैं वो सारे एसिड और बेसिस इस थेरी की डेफिनेशन में आ जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स की मदद से समझेंगे कि क्या कहना चाह रहा है एसिड और बेस के बारे में। तो लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स। देखिएगा, हमने पढ़ा ओजानोविच कॉन्सेप्ट में, ओजानोविच कॉन्सेप्ट आपको ये बता रहा है कि एसिड वो स्पीशीज होती हैं जो बेस को न्यूट्रलाइज करती हैं। जैसे कि देखिए, मेरे पास एक HCl है और मैं इसका रिएक्शन करता हूँ NaOH के साथ प्लस NaOH, और इस रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर बनता है, NaCl प्लस वाटर। तो यहां पर ये जो एसिड है ये क्या कर रहा है, ये बेस को न्यूट्रलाइज कर रहा है, NaOH को न्यूट्रलाइज कर रहा है, सॉल्ट और वाटर बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये एसिड है और ये बेस है, तो एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट या वाटर बनाता है, बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट या वाटर बनाता है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पॉइंट के जो एसिड होता है वो न्यूट्रलाइज करता है बेस को, या बेस न्यूट्रलाइज करती है एसिड को। अच्छा, दूसरी बात कि एसिड क्या करता है, वो गिव अप करता है कैटाइन को। एसिड्स जो होते हैं वो कैटाइन को गिव अप करते हैं, कैटाइन को लूज करते हैं, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल हम कुछ इस तरह से लेंगे, अमोनियम क्लोराइड है, ये मेरे पास अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl, और इसका मैं रिएक्शन कर रहा हूँ बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो जब हम बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन करते हैं तो इस रिएक्शन में क्या होता है, ये अमोनियम क्लोराइड है और ये बेरियम हाइड्रोक्साइड है। तो जब हम रिएक्शन करते हैं तो इस रिएक्शन के नतीजे में क्या होता है जी, यहाँ पे बनता है बेरियम क्लोराइड, ये बेरियम और क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड बनता है BaCl2 प्लस साथ में 2 moles ऑफ अमोनिया, 2 moles ऑफ अमोनिया और प्लस साथ में 2 moles ऑफ वाटर की फॉर्मेशन। अच्छा, अब इस रिएक्शन में ये वाली जो स्पीशीज है अमोनियम क्लोराइड, इसने क्या किया है, इसने अपना अमोनियम आयन लूज कर दिया है। तो इसका मतलब ये एक एसिड है
क्योंकि एसिड की डेफिनेशन क्या बताई उसने कि एसिड्स क्या करते हैं, गिव अप करते हैं अपने कैटायन को, तो स्पीशीज ने चूंकि अपना कैटायन गिव अप किया है तो ये एसिड है, ठीक है। और इस स्पीशीज ने अपना एनायन गिव अप किया है, हाइड्रोक्साइड आयन इज एन एनायन, तो ये एक बेस है, तो ये एक बेस है। इसी तरह से फिर आगे डेफिनेशन में अगर आप चलें तो ये थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि टेक अप एन एनायन इलेक्ट्रॉन। अगर आप देखें तो ये मैं एक रिएक्शन कर रहा हूँ जी, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो जब हम कैल्शियम ऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में रिएक्शन करते हैं तो ये जो कैल्शियम है ये अपना ऑक्साइड आयन लूज कर देता है, एनायन को गिव अप कर देता है। तो वो स्पीशीज जो एनायन को गिव अप करती हैं वो बेस कहलाती हैं। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये अपना एनायन ऑक्साइड आयन गिव अप कर देता है, तो ये बेस है। और ये जो SO3 है ये एनायन को जो ऑक्साइड आयन है इसको टेक अप कर लेता है, इस एनायन को टेक अप कर लेता है, तो ये एसिड के तौर पर एक्ट करेगा। तो इस तरह से बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट। तो ये था बेटा ओजानोविच कॉन्सेप्ट, इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। तो इस वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे और नेक्स्ट हम टॉपिक जो है वो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स और बेसिस को डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।